दिखने में बहुत अच्छी लग। ये है पूरा टेबल ना सारा जो है ये पूरा सैलेड है और स्वीट्स में है रबड़ी, वन इज सुनहरी कबाब। मैं बाद में लूंगी मटर पनीर, टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुकी हूँ एमपी ढाबा। यहाँ पे है अनलिमिटेड बुफे सिस्टम, वो भी वेज वाला। और मैं बहुत जगह पे ढूंढ रही थी रायपुर में, बहुत सारी जगह नॉन वेज वाला बहुत था बट यहाँ पे मुझे वेज वाला मिला है। सो अभी आज मैं जा रही हूँ, पूरा देखूंगी अच्छे से और आपको भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वाला जो रूट है ये है टाटीबंध से आने वाला रूट। जब हम रायपुर से आते हैं तो इसी रूट से आते हैं और यहाँ से आने के बाद हम भिलाई जाते हैं तो इस रूट पे भिलाई जाते हैं। तो ये हाईवे पे है एमपी ढाबा सिंस 1987। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है और नीचे लिखा हुआ है अनलिमिटेड लंच एंड डिनर ओनली 249 रुपीज़ में। सो ये अनलिमिटेड है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे भी लिखी हुई है। इस साइड भी है बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अनलिमिटेड फूड 249, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर सारी चीज़ें। और यहाँ से अभी हम करते हैं एंट्री। तो यहाँ से है पार्किंग, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो उससे पहले यहाँ पे पार्किंग मिलता है। यहाँ पे फोर व्हीलर पार्क होती है और इस साइड जो पार्क है वो टू व्हीलर पार्किंग है। सो यहाँ से अभी हम करते हैं एंट्री। जैसे ही एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं ऊपर बढ़िया मस्त वाला लाइट्स लगा हुआ है और अभी शाम का टाइम हुआ है इस वजह से लाइट्स ऑन भी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ कुछ प्लांट्स हैं और इस तरफ से जो रास्ता है इधर से अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से है एंट्री। तो अभी हम एंट्री करेंगे और ये देख सकते हो ये पूरा इसका मेन्यू लिखा हुआ है, लंच डिनर ऑन टाइम और टाइमिंग और क्या क्या ऑप्शन है ये भी पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से है गेट और अभी हम करते हैं एंट्री। तो ये जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती है और अभी ऊपर बैलून्स लगा हुआ है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही इंडिपेंडेंस डे था इसकी वजह से। ये है पूरा टेबल जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो और ये पूरा बफेट सिस्टम है जो अभी स्टार्ट होगा। तो मैं अभी आपको एक एक करके पूरा दिखाती हूँ। इस तरफ से पूरा ऑप्शंस लगा हुआ है, यहाँ से है स्टार्ट, फिर यहाँ से ये सारे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ये यहाँ से सूप से स्टार्ट होता है, ये है वेज मंचाओ सूप, देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ओपन करो एक मिनट, वाओ स्पेशल मंचाओ सूप है यहाँ पे और उसके ऊपर डालने के लिए ये भी है और कुछ कुछ सिरका के ऑप्शन है। ये है बाउल प्लस स्पून भी है आपके खाने का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बटर मिल्क का, तो ये है यहाँ पे बटर मिल्क, बटर यहाँ से ओपन करेंगे और उसके बाद ग्लास में बटर मिल्क लेंगे। अभी तो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ इसलिए नहीं ले रही हूँ, थोड़े टाइम बाद लूँगे। एंड इसके बाद है वेज रायता एंड ये देख सकते हो ये है वेज रायता। सैलेड में भी बहुत सारा ऑप्शन है, इतना सारा जो है ये पूरा सैलेड है। और यहाँ पे है प्लेट सूप के बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया अच्छे से डिज़ाइन से स्पून्स रखे हुए हैं और ये है बाउल। यहाँ पे पापड़ वापड़ भी हैं, अलग अलग वैरायटी के पापड़ हैं। इसके बाद अचार और चटनी भी है, ग्रीन चटनी है, पापड़ अचार भी लिखा हुआ है। और यहाँ ये है सोया चिली, आप देख सकते हो मस्त लग रहा है, अभी थोड़ी टाइम में खाएंगे। उसके बाद चटनी है सुनहरी कबाब, ये है पनीर टिक्का एंड सुनहरी कबाब। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन इज सुनहरी कबाब, बहुत सुनहरी लग रहा है ये। एंड ये है पनीर टिक्का। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास स्टार्टर में, ओनली 249 रुपीस में सब आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं सबसे पहले ट्राई करती हूँ सूप। तो सूप ट्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ वाइट बाउल एंड रेड स्पून। तो सूप ट्राई करते हुए बताते हैं कैसा है। ओ ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट है। बहुत ही ज़्यादा हॉट है। ओ थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे दिस, देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त वाली खुशबू आ रही है। एंड यहाँ पे है बटर मिल्क, सो मैं बटर मिल्क भी थोड़ा सा, ये हो गया है बटर मिल्क एंड सूप। बाकी रायता मैं बाद में लूँगी, अभी मैं टेस्ट करके बता दूँगी कैसा है। सो ये सूप मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी सूप है,
और यहाँ पे मेन्यू रखा हुआ है और डेली चेंज होता रहता है, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे कि आज मतलब कुछ मिल रहा है तो नेक्स्ट डे भी सेम भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप हर दिन आओगे तो अलग अलग ही मिलेगा, और 249 में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, किसी भी चीज़ का आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। सो अभी मैं फिलहाल मैं आज सूप एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि मेन कोर्स का कैसा टेस्ट। सो टेबल्स जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो आप बहुत सारे पर्सन एक साथ बैठ सकते, देख सकते हो इतना सारा ऑप्शन से, इधर भी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, प्लस पीछे जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा वॉल पेंटिंग लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, तो ये जो हॉल है वो पूरा एसी वाला हॉल है। हम स्टार्ट करते हैं मेन कोर्स, तो मेन कोर्स में यहाँ पे है रोटी नान और लच्छा पराठा, तो ये देख सकते हो रोटी नान और लच्छा पराठा यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद है यहाँ पे मटर पनीर, तो ये जो है ये है मटर पनीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और ये है कैप्सिकम आलू, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एंड उसके बाद है यहाँ पे है स्टीम राइस है ये, एंड इधर पे है दाल तड़का। एंड मेन कोर्स के बाद स्वीट्स को हम कैसे भूल सकते हैं, सो यहाँ पे है स्वीट्स, एंड स्वीट्स में क्या स्पेशल है, वाह, तो आज है रबड़ी स्वीट्स में, एंड इसके साथ है आइसक्रीम, वो भी है वनीला फ्लेवर में, तो इसके लिए भी यहाँ पे स्पून है, बाउल है, तो आप लेके खा सकते हो। तो अभी मैं स्टार्टर स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्पून ले लेते हैं, बिकॉज स्पून का नीड तो रहेगा ही। और यहाँ पे है पापड़, पापड़ मैं थोड़ा ही लूँगी, और ये है सोया चिली, तो अभी मैं सोया चिली लूँगी। सोया चिली के साथ यहाँ पे स्पेशल ग्रीन वाली चटनी भी है, एंड सॉरी, इसके बाद यहाँ पे है पनीर टिक्का, तो अभी हम ट्राई करेंगे पनीर टिक्का, एंड ये है सुनहरी कबाब, सो कबाब भी ट्राई करेंगे। सो अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ पनीर टिक्का, और यहाँ की जो पनीर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और पनीर टिक्का बहुत टेस्टी है, हरा भरा कबाब भी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे ये वाला पानी का सिस्टम है, पानी का बॉटल ऑलरेडी रखा रहता है, तो कैसे ओपन होता है ये, तो ऐसे ओपन होता है। तो ये आ चुका है अभी खाना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सैलेड है, रायता है, पापड़ है, और ये नान है, प्लस सब्जी है मटर पनीर और ये वाली, और इधर पे है दाल और चावल। सो फाइनली अभी मैं मेन कोर्स लेके आ चुकी हूँ, और बहुत सारा ऑप्शन है मेन कोर्स में, तो अभी मैं पहले टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। ये है लच्छा पराठा, अभी स्पेशल बना हुआ है और दिखने में भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो अभी मैं खाती हूँ और बताती हूँ। और ये है मटर पनीर की सब्जी, एकदम अच्छी है। इसके बाद यहाँ पे भी है रायता भी है, मैं रायता टेस्ट करके बताती हूँ कैसा। वैसे मुझे रायता फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो रायता भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं खाना कंप्लीट करती हूँ। सो खाना हो चुका है मेरा कंप्लीट, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है। अभी फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ स्वीट्स, और स्वीट्स में है रबड़ी, देख सकते हो एकदम ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये घर का बना हुआ टाइप का लग रहा है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, रबड़ी भी आइसक्रीम भी है, बट पहले मैं ये खा रही हूँ, बाद में आइसक्रीम खाऊंगी। सो फाइनली गाइज मेरा खाना हो गया है कम्प्लीट, और एमपी ढाबा का खाना वेज बुफेट सिस्टम सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओनली 249 रुपीज़ में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आप अलग से भी जाओगे तो आपको उतना पे करना पड़ जाएगा जितना आप यहाँ पे आके आराम से खा सकते हो। सो अगर आपको आना है तो आप डेफिनेटली आना, बहुत ज़्यादा है, टाटी बन के पास ही है, अगर क्रॉस होते रहोगे तो भी आ सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।